शिवपुरी जिले के बेराड़ में ट्रक की टक्कर लगने से एक बिजली ट्रांसफार्मर धराशायी हो गया। हादसे के दौरान ट्रांसफार्मर में बिजली सप्लाई चल रही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरने से ट्रांसफार्मर आयल सड़क पर फैल गया। इस दौरान सड़क किनारे गड्ढे में भरे ट्रांसफार्मर आयल को लूटने के लिए लोगों में होड़ लग गई। यहां रास्ते में गुजर रहे लोगों ने बाल्टी, ग्लास, बोतल और पॉलिथीन सहित जैसे जो मिला उसमें तेल भरता नजर आया। दरअसल गुरुवार की देर रात करीब 9 बजे नगर के मुख्य बाजार में भूसे से भरा एक ट्रक गुजर रहा था, तभी अचानक ट्रक का ऊपरी हिस्सा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से टकरा गया और ट्रांसफार्मर की केबल ट्रक में उलझ गई, जिससे ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया, जिससे आसपास के इलाके में बिजली सप्लाई बंधित हो गई। ट्रांसफार्मर गिरने से एक और बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर गिरा है उसके ठीक सामने दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। कोई भी तार टूटकर उस तरफ जा सकती थी और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बिजली कंपनी के लाइनमैन मुन्ना कोठारी ने बताया कि ट्रक की टक्कर से ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरा है, जिससे विभाग को लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे के बाद ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है, आगे की कार्यवाही जारी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।